यहाँ से फोर्ट जाएंगे वो भी हमारी घोड़ा गाड़ी पे। भाई मस्त सजा रखी यार तुमने। आ चले मम्मी आगे उछल गया आगे घोड़ा उछला। ये तो पुरानी पिक्चर का सीन लग रहा है बसंती वाला। ये सही है क्या? क्यों कौन है ये लोग? चढ़ जा बहुत बढ़िया चढ़ जा। आ गई चलाने मत लग जी। आ जा आ। अरे ये सही है चलो भैया। ये पक्का फोर्ट लेके जाएगा? नहीं सब जगह पता है। सब जगह पता है पीछे बैठ के बताओ दोनों को। मैं तुम्हें बताऊं हम ऐसी गाड़ी में कब बैठे थे हमेशा तुम भी थी। जब नानी थी ना तो जब नानी के घर जाते नानी ऐसे में लेके गई थी जो उस समय चलते थे बहुत पुराने है ना। और अब जब से बैठे मतलब हो गए करीबन 15 साल हो गए। बाबा तुम तो बसंती बैठे काजल के ऊपर फूल लग रखा है। ड्राइवर क्या कर रहे हो? अच्छा एक हाथ से चलेगा स्टीयरिंग इसका। जैसे मैं राजा हूँ और ये ऐसे जा रहे हैं शीश महल में जा रहे हैं हम अपने। अरे भाई जयपुर ले चलो यार यहाँ से जो मेरा किला ना भानगढ़ का किले में ले चलो। मेरी लू अभी तक भटक रही है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। बीरबल ये कौन से जमाने में आ गए यहाँ कार भी चलती है। हम तो घोड़ा गाड़ी पे चल रहे हैं ये तो चार पहिया लेके जा रहे हैं। गोर कलयुग हमका कहा नहीं मिली ऐसी। हमें तो ये वाले टायर मिले बड़े वाले। हाँ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये कौन सा मनुष्य है? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई ऐसी गाड़ियां भी चलती हैं यहाँ। ये शहर में क्या हो रहा है? हम गांव से रथ लेके निकले हम ना यहाँ देखा तो माहौल ही कुछ अलग है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ भाई पर अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। अगर आप ताजमहल आ रहे हो विजिट करने तो जब वहाँ से एग्जिट लेते हो उसके बाद घोड़ा गाड़ी करो रेड फोर्ट के लिए। रेड फोर्ट मतलब कि आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट आओ इन्जॉय करो अपनी गाड़ी को यूज मत करो क्योंकि बहुत जाम मिलता है बहुत ट्रैफिक मिलता है तो ये वाली गाड़ी बेस्ट है। ये ट्रिप पता है यादगार और भी कैसे रहेगी ताजमहल की और ये आगरा फोर्ट क्योंकि हम लोग आगरा की सड़कों पे इसमें घूम रहे हैं बड़ा लगा है ना। मतलब हर एक की निगाहें ये मुमताज पे ही है कि पापा कह रहे बेगम और क्या ख्वाहिश है बताइए। जमीन ले ली है प्लॉट तैयार है। मतलब पहले के टाइम का तो जो गांव में रहते हैं वो तो जानते हैं कि भाई क्या चीज़ है लेकिन शहर वालों को थोड़ा अलग अलग है ना। कितनी अच्छी फीलिंग आती है उन्होंने बड़ी है कि ऐसे बैठे बैठे सुबह नहीं रहता उन्होंने मतलब जैसे हल्दी हल्दी जाती ना सो नहीं पाती हूँ ऐसे जब गाड़ी में चलाते ना इसमें ना एसी ना पंखा शुद्ध हवा नेचुरल हवा। अरे राजा जाते थे ऐसे भगाते हुए वो नहीं होता था एक टायर यहाँ निकल गया मूवी में देखा एक टायर निकल गया वो कूद गया वहाँ से। मुझे तो ये डर लगता है ये पहिया नहीं निकल जाए मूवी में दिखाते। भाई मेरे क्या नाम हो गया आपका? जाकिर भाई। जाकिर भाई ये बताओ मेंटेनेंस क्या है इसकी? कभी ऐसा हुआ आज तक एक्सीडेंट हुआ उसका? एक बार भी नहीं। ब्रेक फेल एक बार भी नहीं? अच्छा जी। और रात को कैसे चलाते हुए? रात को बोल देते हैं हटा देते हैं। रात को हटा देते हो और पूरे दिन का खर्चा? पूरे दिन का खर्चा हम लाते हैं 600-700। इसका 400 बता देते हो तुम? नहीं कमा लेते हैं 400 उसको चला देते हैं। अच्छा और खाता ही है चने बस? चने घास दूध। अच्छा तो भाई ये है देखो ये कितना सस्ता है मतलब अपना मेंटेनेंस हमारा देख लो। पेट्रोल 90 रुपये में कहीं नहीं जा पाता ये देखो 400 रुपये में रोज इसे 400 रुपये दो और ये पूरा दुनिया घुमा देगा। बस है यार हमारे में ये खरीद लेना चाहिए। हाइट देखो इसकी कहाँ तक है। एक हमारे में लद्दाख ले जाओ नीचे से पत्थर लग जाएंगे चेसिस बोल जाएगा टायर फट जाएगा ना इसका टायर फटता ना कुछ लकड़ी के टायर हैं ये वाले। और मतलब कुछ हुआ है आज तक भी? आज तक क्या नहीं हुआ। और मैंने सुना है घोड़े मतलब सोते नहीं है खड़े होकर सोते हैं तो इसको नींद आती है कैसे पता लगता है? अच्छा फिर खड़े खड़े सोता है देख रहे हो भाई क्या जिंदगी है। हम सो सकते हैं खड़े खड़े गिर जाएंगे भाई। ये घोड़ों को स्पेशल पावर दी गई है ताकि ये सब हो सके। 400 रुपये मेंटेनेंस चने खाओ चलो मम्मी अब रोज सुबह में चने देना नाश्ते में ठीक है भाई। गाड़ी बेच के ये ले लो। हाँ कह रहा हूँ गाड़ी बेच के ये ले लो। अच्छा इसको खुद पता रहता है किधर से जाना है कैसे? रूट तो याद हो गए होंगे
अपना तो तुम लेफ्ट राइट कैसे करते हो? इसे स्टीयरिंग कैसे चलता बताना। अच्छा इधर करेंगे इधर जाएगा, ब्रेक मान लोगे खींच दोगे और तेज भगाना होगा इसे। ओ बेटे ये बात भाई। और इसे अगर व्हीली लगवानी हो आगे के दो सालों पैर से अगर व्हीली लगवानी हो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। आगे के दो पैर ही और तुम पीछे। भाई स्टंट भी करता है घोड़ा, ये अलग एक्सपीरियंस है।